सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्रियन डिश मिसल पाव। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं कुकर में ले रही हूँ 3 चम्मच तेल, उसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन सीड। जैसे ही ये हमारे क्यूमिन सीड क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। तो देखिए, हमारे जो क्यूमिन सीड है, जीरा जो है, वो क्रैकल हो गए हैं। अब हम हींग ऐड करेंगे। हींग में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे ये खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स। सो हमारे करी लीव्स भी इसमें ऐड कर दिए मैंने, और इसे फ्राई होने तक, अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसे कुक करेंगे, करीबन वो भी 1/2 मिनट। सो हमारे करी लीव्स भी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे करीबन बड़े बड़े 2 अनियन लिए हैं, 2 लार्ज अनियन मैंने यहाँ पे लिए है। उसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे भी हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। जैसे कि जैसे हल्का सा ये पिंक होना स्टार्ट हो जाए, हम इसे इसमें हम टमेटो ऐड कर देंगे। सो हमारा जो अनियन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें 2 टमेटोज जो मैंने लिए थे वो मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भी हम अच्छे से कुक करेंगे टमेटो डालने के बाद। सारे मसाले हम इसमें साथ में ऐड कर देंगे और कुक करेंगे। सो जैसा कि हमारा जो टमेटो है, मैंने इसे 5 मिनट्स तक अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम जो है इसमें हमारा गार्लिक और चिली का जो पेस्ट मैंने क्रश करके रखा है फ्रेश, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। करीबन ये भी 1.5 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक एंड चिली जो है वो हमने क्रश करके रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट्स के लिए सौते करेंगे इसे। सो हमारा टमेटो है काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है और गार्लिक की रॉ स्मेल भी निकल चुकी है। तो अब मैं इसमें हमारे जो सारे ड्राई मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर। करीबन 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, ये है 1.5 टेबल स्पून है। और इसमें हम डालेंगे अब कोरिएंडर पाउडर, जो करीबन वो भी 1.5 टेबल स्पून है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, गिव इट अ गुड स्टर। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो हमारे सोक बीन्स हैं, हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। मैंने इसमें लिया है मूंग है, अक्वेनिकली भी अंकुरित मूंग है, मट है, चना है, ग्रीन कलर का मटर है, वाइट मटर है, हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये सब 3 कप है मैंने लिया है, सोक लिया है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गर्म पानी। करीबन आप 2 कप ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए, आप नॉर्मल पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर। करीबन ये भी 1/2 कप ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर मैंने लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करके
इसे कुक करेंगे हम कवर करके थ्री विसल आने तक। सो इसे अच्छे से कवर कर दीजिए और थ्री विसल तक आप इसे कुक करिए, तो आपका ये जो बीन्स है अच्छे से गल जाएगा। सो देखिए हमारा जो बीन्स है वो थ्री विसल के बाद कुक हो ही रहा है और पानी भी अच्छा है इसमें, और हमारे जो बीन्स है वो काफ़ी अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। सो इट्स डन। अब हम टेम्परिंग तैयार करते हैं। सो यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और ये गरम करके मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। जैसे ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएंगे हम इसमें दूसरे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। सो ये क्रैकल हो चुके हैं अच्छे से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। उसके साथ ही गैस को हमें स्लो करना है, और स्लो करके हमें इसके अंदर डालना है रेड चिली पाउडर करीबन 1.5 टीस्पून। सो मैं अब इसमें जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। हमारा जो टेम्परिंग है वो तैयार है। इसे ज़्यादा कुक ना करिए वरना ये ब्लैक हो जाएगा। तो जिसमें हम सर्व करेंगे हम वो बाउल में निकालेंगे हमारा मिसल को, और उसके ऊपर से हम ये टेम्परिंग ऐड कर देंगे। इसे तरी कहते हैं। अच्छे से आप डालिए, 2 टेबलस्पून ऑफ टेम्परिंग ऐड कर दीजिए। उसके साथ ही मैं इसके साथ सर्व करूँगी ये खट्टा मीठा ड्राई मिक्स चिवड़ा है, वो इसके साथ में जाएगा, और दही के साथ में इसे सर्व करूँगी। और इसके साथ हम सलाद भी ले लेंगे, मिक्स कचुंबर ले लेंगे, और लेमन मैंने रखा है, और हमारा जो लादी पाव है वो आप इसके साथ सर्व करिए। बहुत ही यम्मी लगेगा, आप ट्राई ज़रूर करिएगा ये रेसिपी। सो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए नए रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। और ट्राई ज़रूर करिएगा ये एक बार बनाने का। ये महाराष्ट्रियन डिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है। महाराष्ट्र में आप कहीं भी होटल में चले जाइए, ये वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है एक्चुअली। सो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।